हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग तो नहीं हो रही, वैसे एक बजने वाला है। आज हम लोग लेट व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है सुबह डाइट का बड़ा पंगा रहता है कि ये बनाना है वो बनाना है, तो लेट हो जाता है। और सुबह मेरे को आजकल अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा अपलोडिंग और एडिटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो उस वजह से ही मेरे को लेट हो जाता है। तो फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे, नहीं अभी नहीं बताऊंगी, जब पहुँच जाएंगे वहाँ पे तब आप देख लेना। और अच्छी जगह है, मुंबई में ही है, मतलब आसपास ही हमारे। तो अभी अपन जाते हैं और देखते हैं कि कैसी जगह है। मेरी फेवरेट है मतलब। और हाँ, एक चीज और बता दूं मैं कि भाई तबीयत मेरी ऑब्वियसली खराब है। हाँ। मतलब उस लेवल की नहीं है, उस लेवल की नहीं है, लेकिन इसीलिए हमने ब्लड टेस्ट कराया था कल, क्योंकि हमने कल जब डॉक्टरों के पास विजिट किया तो उन्होंने बोला कि वायरल बहुत ज्यादा चल रहा है और डेंगू का भी बहुत ज्यादा है इस टाइम में, तो आप ब्लड टेस्ट ही कराओ, उसके बाद ही आपको मेडिसिन मैं कुछ भी लेने के लिए बोलूंगा। तो हमने इसीलिए कराया, तो वहां पे एक नॉर्मल इन्फेक्शन आया है मेरे को, जिसके लिए उन्होंने 5 डेज का कोर्स रखा है, जो मेरी मेडिसिन चल रही है। और बाहर आप लोगों को बोलोगे कि तबीयत खराब है फिर बाहर जा रहे हो, मुझे लगता है घर में रह के बेड पे पड़े हुए मैं ज्यादा बीमार फील करती हूं। फिर हमें आप लोगों को भी कंटेंट देना है, नहीं तो फिर आप भी बोर हो जाओगे, सीधी सी बात ये है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप लोग बोर हो हमारे घर वाले व्लॉग से, तो इसलिए काम करना है तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी, तबीयत खराब मार के तो व्लॉग नहीं बना सकते हम, और क्या, इसलिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। और हाँ, डाइट भी हमारी चल रही है, तो डाइट वाला बैग भी मैं आपको दिखा दूँ, डाइट हम अपने साथ ही लेके जा रहे हैं। दिन से भी रेगुलरली चली रही है वो बात अलग है कि हम शूट नहीं कर पाए उसको, और शूट नहीं किया हमने, तो डाइट चली रही है। हाँ आओ, चलो तो चलो देखते हैं कैसा जाता है। अंदर, और अच्छा हुआ हमारे पास कैमरा नहीं है, क्योंकि नहीं यहाँ से कैमरा से शूट करने पे आपको 200 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। यस, तो अच्छा हुआ कि हम लोग फ़ोन से ही शूट करते हैं अपने व्लॉग्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। और अभी देखते हैं आगे चल के यहाँ पे क्या क्या है, फिलहाल मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा बैक साइज। अभी हमें आगे जाना है बस से, और बस दिखाती हूँ आपको, मुंबई की लोकल बस जैसी बस, इससे हमें जाना है आगे टाइगर सफारी के लिए। तो अभी देखते हैं आगे क्या है। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है हमारे साथ हमेशा पोपटी होना लिखा होता है, तो अभी देखो यहाँ पे पीछे आपको भीड़ नज़र आ रही होगी, यहाँ पे हो रहा है बस का वेट। तो एक बस जा चुकी है, दूसरी बस आ नहीं रही है, और हमें यहाँ पे अपना व्हीकल अलाउड नहीं है, ना तुम ऑटो से जा सकते हो, तो हमें बस का ही वेट करना होगा। अभी बस चल 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 चल, ये बाहर से घूम के आएगी वापस। क्या बात है, व्लॉग बनाती बस आ गई बाबू, बाहर से घूम के आएगी ना, यहाँ से घूमेगी थोड़ी बस। हाँ तो अपन यहीं खड़े होते हैं ना। तो गाइस चलो चलते हैं बस में। गाइस भीड़ देखो कितनी गंदी वाली लगी हुई है। तो फाइनली गाइस बैठ चुके हैं बस में। रहा है वो रही बस, और अभी हमें यहाँ से पैदल चल के जाना है, लेकिन ये नहीं पता कि कितना पैदल चलना है। और हमारे पास ऑलरेडी एक डाइट वाला बैग है यशु के पास मैं इसको बोल रही हूँ कि मेरे को दे दे, लेकिन ये मेरे को दे नहीं रही है। तो अभी देखो चलते हैं हम। आप खुद उतने बैग का साइज उतना, लेकिन शक्ल तो दिखा दो कैसी आ रही, मेरे बाल फोल्ड कर रखे हैं, कैसे भी शूट कर लेते हो यार। तो लगी हुई डाइट लेके आए, यहीं से खा लेते, यहाँ पे सारा हेल्दी फूड है। ओह शिट, सामने देख, हमें जाना है उधर कनेरी केव्स, और हमें जाना है किस स्थान पे। हाँ कनेरी, कनेरी केव्स। तो गाइस ये चल रहा है इसका लंच, और मिस पायल बत्रा मेरा फ्रूट शेक जो बना हुआ था, जिसको बॉटल में भी डाल चुकी थी कि तेरा लंच ये है, उसको बॉटल को वहीं छोड़ के आ गई है। कैसा लग रहा है बॉटल घर पे छोड़ के, हाँ भूल गई। तो गाइस अभी हमने जाना है इधर केव की साइड, ये है कनेरी केव, तो अभी देखते हैं और कैसे चढ़ेंगे यहाँ तक।
ये अपना लंच कंप्लीट करे तो हम लोग निकले यहाँ से। चलो लंच हो चुका है, अब चलते हैं ऊपर। तो गाइस ये है जिसकी दोबारा से टिकट लगी है हमारी 25 रुपए और नीचे थी 70 रुपए। और एंट्रेंस भी थी, वही एंट्रेंस पे ही तो बोल रही हूँ। पार्किंग भी तो है, गोला 50 रुपए पार्किंग है पहले, हाँ 70 रुपए टिकट है पर पर्सन। फिर ऊपर जब आप ये केव देखने आओगे ये 25 रुपीज पर पर्सन। अब हमें वहाँ जाना है ऊपर। उधर से कहाँ जा रही है, इधर से चल चल चल। फाइनली हम लोग ये उधर से निकल के इधर से आने की होगी, छुपन छुपाई की जगह ही है। गाइस कितनी डरावनी है ये, देख लो कितनी डरावनी सी जगह है ये। गाइस ये बहुत कूल लग रहा है, बहुत ही शानदार। बाबू भी और आगे है, वो देख उधर, उधर देख, वो देख। तो ये वाला एरिया चलते हैं ऊपर, अभी दिखाते हैं आपको। चलो सुबह से एक और जगह आ गए हैं अभी हम। अगर धूप ना होती ना तो यहाँ पे कसम से मजा आ जाता। कोई कह सकते हैं नवंबर चल रहा है ये, सीरियसली। सो गाइस मुझे नहीं पता यहाँ पे हमने जूते चप्पल क्यों खोले हैं, बट कुछ लोगों ने खोले हुए थे तो हमने भी खोल दिए। हमें लगा कि कोई शायद दिन हो, खाली प्लेस होगा ये, बट आई डोंट थिंक सो, बट पता नहीं, हो भी सकता है। आना 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 भाई साहब, बहुत डरावना है इधर, मैं नहीं जा रही, इधर से चलते हैं। नहीं अपन इधर ही रह गए, इधर भी नहीं जा रहे, इतना डरावना ही है ना। नहीं बस बस पर बहुत डरावना है भाई साहब, बहुत अंधेरा है, हिम्मत नहीं हो रही जाने की। इधर 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 ऐसे डरावना गाना क्यों गा रहे हो ऐसी जगह पे, ऐसे डरावना सा साउंड क्यों निकाल रहे हो ऐसी जगह पे। वैसे यहाँ पे ये जगह बेसिकली है क्या, प्रार्थना होती है यहाँ पे। अच्छा किन की, बुद्ध जी की, तो तभी ओके। तो गाइस यहाँ पे प्रार्थना होती है बुद्ध जी की, और वो शायद सिक्योरिटी अंकल वही गा रहे थे मेरे ख्याल से। हम डर गए कि ऐसा साउंड क्यों गा रहे हैं। नहीं मुझे ना जैसे आपने बोला था चलो तभी ऐसा साउंड आना शुरू हुआ, मुझे डर लगा थोड़ा। तो गाइस आपको दिखाते हैं अब, चलना आगे चलना, तू दिखाना। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं, बस आप मत आना हमारे पास प्लीज, हमारे पास कुछ नहीं है। डस्टबिन देख, पीछे वहीं खड़े रहे, वहीं खड़े रहे, वहीं खड़े रहे, वहीं खड़े तो गाइस यहाँ पे हम आ चुके हैं स्टेयर चढ़ने के बाद, अभी ऊपर भी स्टेयर है, बाप रे। बाबू उधर बहुत ऊपर है,
गिरा मत दिए तू। सो गाइज यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज का इशू है, मराठी लैंग्वेज नहीं, नहीं ये मराठी में नहीं है, दमन दमन लिपि, दमन लिपि है, उसको तो पढ़ना ही बहुत हमारे लिए, मतलब तुम समझो कि नाम उनके हैं। अच्छा ओके, दमन लिपि क्यों बोलते हैं, क्यों जो किंग था जो अपना सम्राट अशोक राजा, उन्होंने जो उसमें मेंशन किया है दमन लिपि करके, तो अपन भी दमन लिपि बोलना मुमकिन ना, क्योंकि उसने उन्होंने वहाँ पे लिख के रखा है दमन लिपि करके, तो अपन उसको वामनी बोलने वाले कौन होते हैं। ओके ओए छोटा सा वाटरफॉल मिला सामने, अच्छा जाओ जाओ हाथ लगा उसको, छोटा सा वाटरफॉल मिला फाइनली, सही में गर्मी के कारण ना, ये देखो छोटे से वाटरफॉल। गाइस मैं सही बता रही हूँ, अगर यहाँ पे मौसम अच्छा हो ना तो बहुत बढ़िया जगह है ये घूमने के लिए, जन्नत है जन्नत। चलो ऊपर चलते हैं अभी, और ये देखो यहाँ से जाना है अभी ऊपर गाइस, चलो सीट देख के जाना है। हाँ सीधी है, नहीं नहीं कैमरे पे फोकस नहीं, तू फोकस जा रही तू नहीं हील्स पहननी है, नहीं कोई बात नहीं तू आगे चल, मेरे ख्याल से तू उतार ही लेनी चाहिए तुझे, हैं फिर लोग तेरे को कमेंट करेंगे सैंडल तेरे पास एक ही है यार, दूसरी भी है पर उनको पहनने कंफर्टेबल नहीं लगता। बंदर भी देख लेना आगे, देखिए मैंने बंदर, तभी मैं स्पीड मेरी स्लो हो गई। तो यहाँ से जो नज़ारा है नीचे वाली जो केव दिख रही है बहुत शानदार है, मैं कह रही हूँ आप लोग एक बार ज़रूर विजिट करो यहाँ पे जिन्होंने अभी तक विजिट नहीं किया है, क्योंकि बहुत ही शानदार जगह है, बहुत इधर आ जाओ, बंदर पीछे से देख रहा है घूर घूर के, बंदर बतना पता नहीं क्या चाहता है अभी, हमें फिर ऊपर जाएंगे बस यहाँ पे, तुम चढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ, बहुत ज़्यादा बहुत पड़ा नहीं उतरना भी वापस, उतरना चढ़ेंगे तो उतरना तो पड़ेगा ही भाई। तो भाई मेरा हो चुका है, मेरे में अब और स्टैमिना नहीं बचा, हमारी बस ये जगह रह गई है घूमने ऊपर जाने के लिए, बाकी ये देख लो यहाँ पे हम जो ऊपर आए हैं अभी वो ये वाला एरिया है सारा। हाँ तो गाइज अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग एक्चुअली फोटो शूट चल रहा था हमारा, और हम लोग रील्स बनाने का सोचे थे बस यहाँ, बट यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है पूरे एरिया में, नीचे भी नहीं है ना ऊपर नेटवर्क है, तो हमने सोचा चलो व्लॉग ही शूट कर लेते हैं, क्या आएगा वॉइस देख लो होगी क्या। सो गाइज हम लोग फाइनली नीचे आ चुके हैं, जाने में तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने ऊपर आ गए हैं, लेकिन आते टाइम बिल्कुल भी पता नहीं चला, अभी नीचे नहीं आए मतलब ऑलमोस्ट आ चुके हैं। हाँ केव्स वाली जगह से आ चुके हैं अभी, हमने अभी स्टार्ट ही किया ना हमने एक्चुअली ट्रैवल व्लॉगिंग, तो हमें आदत नहीं है अभी इतना घूमने की, वो भी हील पे ना के वो भी देखे नीचे क्या उपार ग्रह कैंटीन में नीचे जा रहे हैं हम। तो गाइज चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइज अभी हम लोग थोड़ा बैठ गए हैं रेस्ट करने के लिए, नीचे तो हम लोग आ गए हैं लेकिन यहाँ पे एक गार्डन है और हमने यहाँ पे पानी की बोतल ले ली है, एक बहुत प्यास लग रही थी, जो कि कैसा लगा कैसा था एक्सपीरियंस आपका। ओह मेरी बिंदी चली गई, ओह एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था लेकिन गर्म बहुत ज़्यादा है, बट आप मज़ा करोगे आप इन्जॉय करोगे, जब भी आप यहाँ पर घूमने आओगे आप डेफिनेटली इन्जॉय करोगे, और अगर ग्रुप में आ सकते हो तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे, हालांकि हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया दोनों ने, और फ़ोटोज़ भी क्लिक किए, बहुत सारी रील्स हम नहीं बना पाए क्योंकि नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, बाकी अब देखते हैं आगे और क्या होता है। पानी पी के चल रहा है हमारा तो गुजारा, डाइटिंग पे होने के नतीजे हैं ये, ऐसे भी नहीं खाते हम यहाँ पे कुछ। तो गाइस शानदार आ रहा है सही में, ये है आगे चलो तू, ये है पैदल वाला रास्ता, 6 किलोमीटर पूरा पैदल है, डुगू ने ठाना है कि ये बैग के साथ मैं पैदल ही जाऊंगी, तुम लोग क्या समझते हो कि मैं नहीं जा सकती, मैं जाऊंगी, और अगर ये मेरी डाइटिशियन देख रही हो तो भगवान के लिए मुझे माफ करे आज, कि मुझे फोन करके बोलेगी फिजिकल वर्क इतना ज्यादा हो गया तुम्हारा। ऊपर चढ़ चढ़ के जो हमारा दिमाग खराब हुआ है आज, लेकिन बहुत मजा आया, और रास्ता आप लोग देख सकते हो इतना शानदार रास्ता है ना, तो बता बस इतना सारा जो डाइट का लेके आए थे ना उसमें से क्या खाया है जनाब ने, खिचड़ी, मेरा तो शेक ही घर छोड़ दिया बना के, ओट्स वाला शेक बनाया था इतनी मेहनत करके, पाइन एप्पल ओट्स और जी अपना एप्पल एप्पल पाइन एप्पल और ओट्स सारा खराब करता। शाम हो रही है तो बाबू चलो, ओके गाइज
गलत फैसला ले लिया हमने पैदल आने का। और ये मुझे बैग भी नहीं दे रही, थोड़ी देर मैं बोल रही हूँ इसको मेरे को थोड़ी देर दे दे, क्योंकि मैं देखती हूँ कि ऐसे सब मतलब सारे जो ऐसे कपल होते हैं ना उनके जो बंदे होते हैं ना वो बैग उठाते हैं अपनी बंदियों का, लेकिन ये मेरे को कभी नहीं उठाने देती। तो तूने और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है जान, मैंने ये उठाया आपने उठाया एक ही बात है। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि कपल अगर एक है चलते चलते बाबू तो नहीं शेर अपना खाना बना लेगा। बंदा बंदा ही अपनी बंदी को उठाए गोद में या उसके बैग उठाए, बंदी भी कर सकती है ये सारी चीज़ें हर चीज में। हाँ जब बंदी इतनी ताकतवर हो तो कर ही सकती है, क्वालिटी होनी चाहिए हर बंद हर चीज में। अपना ग्रुप आगे जा रहा है बाबू, हमने यहाँ पे अनजान ग्रुप बना लिया था क्योंकि हम अकेले थे ना, वो जा रहा है ग्रुप हमारा। चलो तो हमारे साथ साथ कुछ लोग जा रहे थे वो भी पैदल पैदल, तो हमें थोड़ी हिम्मत आ गई कि ये भी पैदल जा रहे हैं। लेकिन अब समझ आ रहा है कि हमने गलत ही फैसला ले लिया अकेले जाने का, मतलब पैदल जाने का। गाइस ये बिल्कुल फ्री हूं, डर तो नहीं फील हो रहा लेकिन पैरों में डर लग रहा है सीरियसली। अपन पहुंच पाएंगे वहां तक? अरे पहुंचेंगे क्यों नहीं, हम तू और मैं साथ हैं, हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। वाह डायलॉग पे डायलॉग मारे जा रही है आज तो, क्या बात है। ज्यादा मोटिवेट हो गए जंगलों में आके, ये हसीनवादियों ने मेरे को ज्यादा मोटिवेट कर दिया है गाइस। मोटी भी और वेट भी नहीं, मोटी तो मैं अब नहीं हूँ बाबू, हाँ हेल्दी हूँ अभी भी मैं, बट बहुत जल्दी मैं आपको बहुत स्लिम ट्रिम दिखाई दूंगी। मेरी डाइटिंग चल रही है, आज तो फिजिकल वर्क भी हो गया इतना सारा। यार ये ऐसी जगह ना मेरे को बहुत पसंद आती है, देखो कितना शानदार लग रहा है, और वो देखो सूरज की रोशनी पड़ रही है उस पर, अलग ही फील है यार जंगल का। तो बताओ एक चीज में मुझे याद है, तो हमने डिसाइड किया था कि हम लोग, बाबू टाइम कितना हो रहा होगा अभी, 5 बज चुके हैं और हमने सोचा था कि हम 5 बजे तक पहुंच जाएंगे क्योंकि अभी अंधेरा होना शुरू हो जाएगा 5:30 तक, लेकिन हम लोग नहीं पहुंचे अभी तक, तो अब थोड़ी थोड़ी फट रही है गाइज। और यहाँ पे बता दूँ कोई भी नहीं है हमारे सिवा नहीं है। और नेटवर्क भी नहीं है, अगर ये व्लॉग कल आए तो आप लोग समझ लेना कि हम लोग सही सलामत आ गए, नहीं आए तो राम भरोसे भाइयों चलते हैं। ए सुनना ऐसा कुछ कर जिससे डर कम लगे। अंताक्षरी खेलते ना, बोल तो रही हूँ। चल चल गाना गा, तू गा पहले। चलो चले मित्रा, नहीं सड़क तो प्लेन है। आगे चले मित्रा, आगे तो गा आगे तो गा। हाँ प्यारी प्यारी बाहों में कहीं हम सो जाएं। नहीं बाबू खो जाए, मैं डर गई सामने, मेरे को लगा कोई जानवर आ गया। पहले मुझे सिर्फ काला काला स्कूटी का ये बाइक का जो भी था। तूने कहाँ पे खत्म किया गाना? कहाँ पे खत्म? जाए पे ए क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुन आवाज आई ला नहीं आई, जंगल से आवाज आई ला, क्या करूं आके मैं इधर आई ला। अरे चलेंगे चलेंगे पैदल ही चलेंगे 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 बस ए क्या बोलती तू? तू पे खत्म हो गया बस, अब तू पे, मैं तो तू पे खत्म किया। हाँ तैपे तै 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 से तरबूज। हाँ सांवरे। हाँ हाँ आगे बस में अभी ये। हाँ हाँ बस रे, रात अकेली है बुझ गए दिए। आगे क्या था बाबू? आके मेरे पास मत आना, हाथों में हाथ मत देना, जो भी चाहे कहिए। मोर बोल रहे हैं करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी।
1, 2, 4 फट रही है ऐसे जंगल में हमारी, ऐसे जंगल में हमारी। भाई साहब ये वाला एरिया कुछ ज्यादा खुला खुला सा है। ए आवाज आ रही है मेरे को, ओए ओए पागल है क्या, बंदर है चुप करके आ जाओ। ऐसे आवाज 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 करके डर, आवाज आवाज करके। तो फाइनली इतने सारे हिरण देखने को मिल गए गाइस। क्यूट लग रहे ना, खाने पीने आए हैं ना ये। तो गैस ग्रीन टी के लिए गर्म पानी मिल्टन में लेके आए थे हम लोग, अब बनने जा रही है ग्रीन टी। तो गाइस फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं और भाई साहब पैरों की जो हालत हुई है बस हम ही जान सकते हैं, वो आप नहीं जान सकते। 6 किलोमीटर पैदल चल के आना, मजाक मजाक में मजाक ही हो गया हमारे साथ भाई। और जो केव्स में ऊपर चल रहे हैं वो अलग है, एडवेंचर हो गया आज तो। ऐसा पैरों में दर्द हो रहा है ना, ऐसे यू 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 पैर कर रहे हैं सही में। तो लेकिन मजा बहुत आ रहा है, इतना मजा आया। अगर हम लोग बस में आते ना तो फिर हम जंगल मिस कर देते। आपने जैसा देखा होगा जो मैंने शूट निकाला है उसका मतलब। तो फिलहाल हम लोग कुछ नहीं, बस अपनी डाइट बनाएंगे, खाएंगे और सो जाएंगे। बड़ा सही बोला, कहते ही कुछ नहीं करने वाले। डाइट बनाएंगे बनाएंगे, आप तो नहीं बनाने वाले। मैं बनाऊंगी, क्यों नहीं बनाऊंगी। हाथ दुख रहा है, हाथों में भी हिम्मत नहीं बची है गाइस, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है इसको। आज हम लोगों ने सीरियसली बहुत एंजॉय किया और आई होप आप लोगों ने भी देख के बहुत एंजॉय किया होगा वहां का। हम लोग अभी है ना बिना किसी मतलब सर्च करके, रिसर्च करके नहीं जा रहे कहीं भी, अभी हम खुद का एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि कैसी चीजें क्या क्या होती हैं। तो हम हर जगह पे दोबारा दोबारा जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा एडवेंचर मेरे लिए था क्योंकि 6 से 8 किलोमीटर पैदल चलना वो भी सही में, तो वो मेरे लिए था। बिल्कुल हाथों ने जवाब दे चुका है। तो गाइस इसी के साथ करते हैं आज का वीडियो एंड। बिल्कुल वी होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आना चाहिए। आज तो मतलब मैं क्या ही कर दूंगी, मैं मेरे को नहीं पता। लाइक हो जाना चाहिए, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, कमेंट हो जाना चाहिए, बस अपने को इतना कॉन्फिडेंस है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग करोगे। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और गाइस कमेंट करके ये भी बताना कि ट्रैवलिंग व्लॉग कैसे लगते हैं आपको। हाँ ट्रैवलिंग व्लॉग आपको कैसे लगता है ये भी बताना। तो हम अपना रूटीन उसी हिसाब से सेट करेंगे फिर। हाँ, फिर हम आने वाले व्लॉग्स वैसे ही लेके आएंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें मुंबई में एक्सप्लोर करने के। यस, तो अगर आप चाहते हैं कि ट्रैवल व्लॉग आते रहे तो प्लीज